नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक चैनल पर। और आज से हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम छोटे छोटे बट बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जो आपकी नॉलेज को इन्हेंस करेंगे दोस्तों। जिसका ये पहला वीडियो है जिसमें हम कंटेंट राइटर के बारे में बात करेंगे कि कंटेंट राइटर क्या होता है और वो क्या करता है। एंड अगर आपको भी एक कंटेंट राइटर बनना है तो आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। एंड अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट के बारे में कि कंटेंट होता क्या है। हर वो चीज़ जो आपको मानसिक रूप से प्रभावित करती है, जो आपकी साइकी यानी कि मानसिकता को प्रभावित करती है, उसमें बदलाव लाती है, कंटेंट कहलाती है दोस्तों। हर वो चीज़ जो आप अपने आसपास देखते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं, वो सभी चीज़ें जब डॉक्यूमेंट की जाती हैं यानी कि उन्हें लिखा जाता है, तो उसे कंटेंट कहते हैं दोस्तों। और कंटेंट वीडियोज़ की फॉर्म में, ऑडियोज और टेक्स्ट एक्सेट्रा किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है। कोई भी वीडियो शूट करने से पहले या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करने से पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जो कंटेंट कहलाती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंटेंट राइटर के बारे में कि कंटेंट राइटर किसे कहते हैं। जो व्यक्ति कंटेंट लिखता है कंटेंट राइटर कहलाता है। कंटेंट राइटर एक क्रिएटिव इंसान होता है दोस्तों, जिसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स और आइडियाज होते हैं, और वो उन थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को अपने शब्दों में पिरो करके एक स्टोरी के माध्यम से, एक कोटेशन के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से अपनी रिसर्च, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को लोगों के साथ आसान भाषा में शेयर करते हैं, ताकि वो उनको समझ में आए और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है दोस्तों। और ये वैल्यू उनको हंसा करके, उनको मोटिवेट करके और उनको सेंसिटिव बना करके और उनकी नॉलेज को इन्हेंस करके की जा सकती है, जैसे आप इस वीडियो से अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए कंटेंट राइटर को अपने आइडियाज़ पर, अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस पर भरोसा होना चाहिए। एक कंटेंट राइटर अपने आप में एक बड़ी पर्सनैलिटी होता है दोस्तों, जो एक लीडर की तरह काम करता है। वो अगर चाहे तो अपनी अच्छी स्क्रिप्ट से, अपनी अच्छी स्पीच से सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं और उनकी लाइफस्टाइल को इन्हेंस कर सकते हैं। पर ये डिपेंड करता है कि वो कंटेंट कैसा है, अच्छा है या बुरा है, किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करने वाला है या फिर नेगेटिविटी ऐड करने वाला है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, हम दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनैलिटीज़ में से एक इलोन मस्क को ही ले लेते हैं। वो अपनी स्पीच के थ्रू लोगों में टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए मोटिवेशन पैदा करते हैं दोस्तों। उनकी कंपनीज़ के बारे में जानने के लिए लोगों को एक्साइटेड करते हैं। वैसे वो कंटेंट लिखते नहीं हैं, लेकिन वो जो स्पीच देते हैं, आज उसी की वजह से आप देखेंगे कि उनकी सभी कंपनीज जैसे टेस्ला मोटर्स, स्पेस एक्स, सोलार सिटी, न्यूरालिंक प्रोजेक्ट, द बोरिंग कंपनी, ये सभी दुनिया की जानी मानी कंपनियां बन सकी हैं। एक कंटेंट राइटर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कंपनीज की सेल्स को कई गुना बढ़ा सकता है और उनके मैसेज को आम लोगों तक पहुंचा सकता है दोस्तों। एक एडवर्टाइजमेंट भी एक कंटेंट ही होती है दोस्तों। जैसे सर्फ एक्सल की टैगलाइन क्या है दोस्तों, दाग अच्छे हैं। कोका कोला क्या कहता है, ठंडा मतलब कोका कोला। टाटा नमक की टैगलाइन क्या है दोस्तों, देश का नमक टाटा नमक। Amazon क्या कहता है दोस्तों, इंडिया की अपनी दुकान। और घड़ी की टैगलाइन क्या है दोस्तों, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और Nike क्या कहता है दोस्तों, जस्ट डू इट। और Apple क्या कहता है दोस्तों, थिंक डिफरेंट। ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी शॉर्ट लेकिन एक पावरफुल कंटेंट है दोस्तों। और KitKat क्या कहता है दोस्तों, हैव अ ब्रेक हैव अ KitKat। आप भी शायद इस तरीके की वन और टू लाइंस की टैगलाइन लिखने में एक्सपर्ट होंगे, पर आप ये नहीं जानते कि आप अपनी स्किल के बेस पर क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप भी इस तरीके से टैगलाइंस लिखने में एक्सपर्ट हैं या फिर लिखने की स्किल आपके अंदर है, तो आपके लिए कॉपीराइटिंग भी एक बड़ा करियर बन सकता है दोस्तों, जिसको आप किसी प्रोफेशनल के साथ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। न्यूज रीडर्स क्या करते हैं, कंटेंट को आपसे शेयर करते हैं दोस्तों। न्यूज़पेपर्स में किसी ब्रांड के बारे में जो आर्टिकल्स लिखे होते हैं, वो भी एक कंटेंट ही होता है दोस्तों। कंटेंट राइटिंग में आपको बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस मिल सकते हैं दोस्तों। जैसे आप किसी ऐड के लिए ऐड कॉपी लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि कोई ऐड कैसी होगी। आप किसी कंपनी के लिए ईमेल लिख सकते हैं दोस्तों, आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, आप एक राइटर बन सकते हैं दोस्तों और अपनी खुद की बुक पब्लिश कर सकते हैं दोस्तों। आप किसी मैगजीन के लिए या फिर अखबार के लिए चुटकुले लिख सकते हैं दोस्तों, और आप चाहें तो शॉर्ट स्टोरीज भी लिख सकते हैं।
और आज का जो टाइम है वो वेब सीरीज का है दोस्तों। आप चाहें तो अपनी खुद की एक वेब सीरीज की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। एक कंटेंट राइटर कुछ भी कर सकता है दोस्तों, बस आपको अपनी स्किल के अनुसार अपने टैलेंट को पहचानना होगा और उसके बाद आप अपनी फील्ड के किसी एक्सपर्ट के साथ इंटर्नशिप करके उस स्किल में मास्टर कर सकते हैं और फिर आप अपने साथ कुछ इंटर्न्स को जोड़ करके अपना खुद का एडवर्टाइजमेंट बिजनेस शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं कंटेंट राइटर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी। इसके लिए आपके अंदर एक स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए जो है क्यूरियोसिटी दोस्तों। न्यू आइडियाज, न्यू सब्जेक्ट, नई नई टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए आपको जिज्ञासु बनना पड़ेगा दोस्तों। जब आप किसी टॉपिक के बारे में क्यूरियस होते हैं तो आप उसके बारे में पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। और एक कंटेंट राइटर और कुछ नहीं दोस्तों बल्कि एक जिज्ञासु इंसान होता है, एक क्यूरियस माइंड होता है दोस्तों। मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ दोस्तों, मीन्स अगर मुझे कोई भी चीज़ या कोई भी टॉपिक के बारे में पता चले तो मैं उसके बारे में पूरी डिटेल जाने बगैर नहीं छोड़ता हूँ। कॉलेज की शुरुआत में जब मुझे कई बिजनेसेस के बारे में पता चला तो मैंने हर एक बिजनेस के बारे में जानना शुरू किया कि कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं और मेरे स्किल के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों। ऐसे करते करते मुझे सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता चला, जिसमें आप ऑडियंस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, जिस पर आप ये हमारी वीडियो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करके आप रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप उनकी हेल्प करेंगे और आप वही काम करेंगे जो आप करना चाहते हैं। और फिर मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में जानना शुरू किया और इसके लिए जो ज़रूरी स्किल्स हैं उनको सीखा, जैसे कि एडिटिंग, वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट लिखना, SEO। और आज हम आप सभी के लिए ये वीडियो ला पाए हैं दोस्तों। इसी को तो कंटेंट राइटर बोलते हैं, मीन्स जो कंटेंट क्रिएट करता है वो कंटेंट वीडियोस की फॉर्म में हो सकता है। वीडियोस को भी बनाने से पहले उसकी स्क्रिप्ट को लिखना पड़ता है दोस्तों। कंटेंट किसी पोस्ट की फॉर्म में हो सकता है दोस्तों, यानी कि कोई फ़ोटो या फिर कोई आर्टिकल हो सकता है, ईमेल हो सकता है, एप्लीकेशंस हो सकती हैं, आप कोई भाषण लिख सकते हैं, आप चुटकुले लिख सकते हैं, ये सभी कंटेंट की श्रेणी में ही आते हैं दोस्तों। तो पहला आपको क्यूरियस बनना पड़ेगा। अगर आप एक कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्यूरियसिटी होनी चाहिए। दूसरा आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। आपको अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनके प्रति अवेयर रहना पड़ेगा। आप ऐसा करके एक अच्छा कंटेंट राइटर बन सकते हैं दोस्तों। आप जब भी कोई पोस्ट पढ़ें या फिर कोई वीडियो देखें तो आपको उसमें नोटिस करना है कि क्या क्या चीज़ें आपको उसमें अच्छी लगी। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि अब आप इस चीज़ के लिए अवेयर हो गए हैं। तो आप देखिए कि इस वीडियो को आपने क्यों देखा, इसमें ऐसा क्या है जो आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, और फिर आप उन चीज़ों को डिटेल में मैच कीजिए। जैसे मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो क्या मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो आप जो देख रहे हैं उससे मैच कर रहा है या फिर नहीं, और इस वीडियो में क्या चीज़ हमने गलत की है और क्या हम ठीक कर सकते थे, आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और नेक्स्ट चीज़ अभी से शुरुआत कीजिए दोस्तों। आपके पास एक डायरी और पेन होना चाहिए और उसको ले करके बैठ जाइए। हो सकता है कि आपके माइंड में शुरुआत में कुछ ना आए, और लेकिन धीरे धीरे जब आप ऐसे करेंगे तो आप अपने थॉट्स को पेपर पर उतारना सीख जाएंगे। आप शुरुआत में दूसरों की कॉपी भी कर सकते हैं और उसमें थोड़ा सा सुधार करके आप अपना कुछ बना सकते हैं। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको एक माइंडसेट मिल जाएगा और आपकी जो स्किल है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी, एंड एक दिन आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन जाएंगे। आप हमारी स्टार्टिंग की वीडियोस देखें, हमें वीडियो एडिटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था और आज आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और ये फ़र्क आया है सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस में। अगर आप शुरुआत करेंगे तो आप धीरे धीरे अच्छा करते ही जाएंगे। तो दोस्तों आप इन सभी पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और एक अच्छा कंटेंट राइटर बनने की राह में आगे चल दीजिए दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी न्यू वीडियो में किसी नए मज़ेदार टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।